अब देखो आज हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि सब्लिमेशन रिलेटेड से अगर आप काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कॉटन रो सब्लिमेशन होगा तो कैसा दिखेगा, पॉलिस्टर कॉटन, कई कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पीसी पॉलिस्टर कॉटन पर सब्लिमेशन हो जाता है, उस पर सब्लिमेशन होगा तो कैसा दिखेगा, नहीं दिखा तो क्यों नहीं दिखता है, सब्लिमेशन सिर्फ पॉलिस्टर पर क्यों होता है, तो सभी डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो साथियों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। तो साथियों जैसा कि हम लोग बात करते हैं पॉलिस्टर फैब्रिक एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा पॉलिस्टर फैब्रिक होता है, इसको ड्राई फिट भी आप बोल सकते हैं। इस पर सब्लिमेशन साथियों बहुत अच्छे से होता है। इसका मेन कारण क्या है साथियों, ये पसीने को सोखता नहीं है, इसके ऊपर पानी डाल देंगे या फिर बॉडी का जो मॉइस्चर होता है वो ये सोखता नहीं है, जिसके कारण से क्या है कि अंदर पसीना आपका रहता है। इसी प्रकार से ये टी शर्ट जब हम इस पर सब्लिमेशन करते हैं तो ये इंक को सोखता नहीं है, जिसके कारण से जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो काफी अच्छी हो जाती है। अब कॉटन में आपको बताता हूँ तब आपको पता चलेगा। आप कॉटन पहनते हैं तो कॉटन में क्या होता है कि पसीने को ऑब्जर्व कर लेता है, जब पसीने को ऑब्जर्व कर लेता है तो इसी प्रकार से जब हम इस पर सब्लिमेशन करते हैं तो ये सब्लिमेशन के इंक को भी ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण से ये प्रिंटिंग लाइट हो जाती है। मगर ये पॉलिस्टर ऑब्जर्व नहीं करता है पसीने को, पानी को, तो जिसके कारण से क्या है कि उसकी जो प्रिंटिंग लेयर होती है वो ऊपर होती है, काफी शाइनिंग में रहती है। अब हम बात करते हैं पीसी। कई ऐसे कस्टमर है जो हमसे कहते हैं कि पॉलिस्टर कॉटन पर सब्लिमेशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, तो हम लोग इस पर भी आपको बताएंगे कितना परसेंट इसमें कॉटन है, कितना परसेंट पॉलिस्टर है, वही मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 50% कॉटन है और 50% पॉलिस्टर है। इस पर भी अगर हम सब्लिमेशन करेंगे तो कैसा फील आएगा, एक्चुअली वो बात आपकी क्लियर है कि कॉटन पर सब्लिमेशन नहीं होता है, और अगर सब्लिमेशन होगा तो कैसा आएगा आज पूरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तीनों टी शर्ट पर हम लोग सब्लिमेशन करके देखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्या लुक आएगी, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि साथियों हम हमेशा सब्लिमेशन करते हैं तो पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कॉटन पॉलिस्टर पर, जो कि 100% पॉलिस्टर है। सब्लिमेशन करने का सही तरीका क्या है साथियों, पहले आप इसको टी शर्ट के ऊपर रखें, अलाइनमेंट चेक करें, पहले सबसे पहला काम है, क्योंकि कई हम वीडियोस देखते हैं, कई कस्टमर्स के हम लोग फीड देखते हैं तो वो उनकी प्रिंटिंग क्या है उल्टी सीधी हो जाती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस पे टेप लगा सकते हैं, और इसको जस्ट आपको हीट करना है, मैं आपको दिखा देता हूं। अब वो समस्या है आपके सामने एक, जिसमें ट्रांसफर ऊपर हो जाता है, तो हम लोग ये शीट यूज करने वाले हैं, टेफ्लॉन शीट, इससे क्या है ट्रांसफर ऊपर नहीं आता है। 60 सेकंड के बाद आपको दिखाता हूं। सब्लिमेशन करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो आप 60 सेकंड्स के लिए इसको हीट कर सकते हैं, अच्छा प्रिंट आएगा। अगर आपके पास बल्क क्वांटिटी है, प्राइसेस आपने कम बहुत लिए हैं, तो आप 35-40 सेकंड्स आपके लिए इनफ होता है, उसमें भी इजिली सब्लिमेशन हो जाता है। और अगर तब भी आपका प्रिंट सही नहीं आ रहा है, कलर वेरिएंट आ रहे हैं, तो फिर आप अपने प्रिंटर को चेक करवा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू हो सकता है। हो चुके हैं, ये देखिए सब्लिमेशन होता है जब आपका पॉलिस्टर पर, तब कुछ ऐसा प्रिंट आता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है फील। आप कैसे भी इसको वॉश कर सकते हैं, इसकी लाइफ काफी अच्छी होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉटन पर करने के लिए। कॉटन पर जब भी आप सब्लिमेशन करते हैं तो कितना परसेंट ट्रांसफर होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए वही सेम प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे ताकि हमारा प्रिंट गलत ना हो। ये आप इस पे टेप लगाइए और इसको भी 60 सेकंड के लिए ट्रांसफर कीजिए।
60 सेकेंड्स के बाद आपको दिखाता हूँ कैसा आता है। अब इसका तो साथियों बहुत ही प्यारा फील आया है, काफी ज्यादा अच्छी टी शर्ट आई है, तो काफी इजी है इस तरीके से प्रिंट करना। तो मगर बात आती है कॉटन पर या फिर अच्छी क्वालिटी प्रिंट करने की, तब हम लोगों के पास क्या ऑप्शन होता है वो भी मैं आपको लास्ट वाली वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कॉटन पर सब्लिमेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो 60 सेकंड्स हमारे हो चुके हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ जब आप सब्लिमेशन करते हैं कॉटन पर तो कैसा फील आता है। ये देखिए साथियों, लाइट, एकदम लाइट आया है। कारण है इसका साथियों कि जब आप कॉटन पर सब्लिमेशन करते हैं तो इंक को सोख लेता है, ठीक है। इंक को भी इसने पूरा ट्रांसफर नहीं किया है, यहाँ पर इसने ज्यादा ट्रांसफर किया है। तो कॉटन एक ऐसा है कि जिस पर सब्लिमेशन होता ही नहीं है, तो इस बात के लिए आप सोच लीजिए इस तरीके से आता है। मतलब आप अगर आप इससे बात करेंगे पॉलिस्टर से, तो पॉलिस्टर में अगर 80% ट्रांसफर है तो उसमें 20% ट्रांसफर है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, कॉटन पर सब्लिमेशन नहीं होता है। अब बात आती है साथियों हमारी पीसी पॉलिस्टर कॉटन पर सब्लिमेशन करते हैं तो कैसा फील आएगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। कई कस्टमर्स की यही रिक्वायरमेंट है कि पीसी पर सब्लिमेशन इजीली हो जाता है। अब पीसी पर सब्लिमेशन कैसा होगा, दिखेगा कैसा, कितना परसेंट ट्रांसफर आएगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। वही हम लोग 60 सेकंड्स के लिए हीट प्रेस करेंगे। मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। मार्केट में आपने देखा होगा YouTube चैनल्स पर कि कोई पाउडर होता है, पाउडर को वो सब्लिमेशन प्रिंटर से प्रिंट करके पेपर पर लगाते हैं, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं, तो उससे क्या होता है कई बार अच्छा दिखता है। मगर वीडियोस अलग होती है, वो वीडियो में 100% कॉटन यूज नहीं करते हैं, और अगर उसकी बात करें तो उसकी लाइफ नहीं होती है, क्योंकि वो एक लेयर बना देता है जस्ट फॉर मतलब कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के, एक दो दिनों के लिए। अगर आप उसे वॉश करोगे तो वो सारा खराब हो जाएगा। तो उन बातों में नहीं आए, और ना ही ऐसे कोई स्प्रे आता है कि स्प्रे लगा दीजिए उसके बाद कॉटन पर सब्लिमेशन कर दीजिए, ऐसा भी कोई स्प्रे मार्केट में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, पीसी पर जब पॉलिस्टर कॉटन 50% पॉलिस्टर 50% कॉटन पर जब आप सब्लिमेशन करेंगे 60 सेकंड्स के लिए, तो क्या व्यू आने वाला है आपको समझा देता हूं। 60 सेकंड हमारे हो चुके हैं, ये देखिए हमारे 60 सेकंड्स हो चुके हैं पूरे। अब ये देखिए, अब आप समझ पाएंगे, ये है हमारा पीसी पॉलिस्टर कॉटन, लाइट फैब्रिक आया है। ये है हमारा 100% कॉटन, इससे लाइट आया है। और जब हम बात करते हैं इस पर, तो देखिए एक्चुअली सब्लिमेशन जो बना है साथियों, वो बना ही पॉलिस्टर फैब्रिक के लिए है। कॉटन या पीसी जिसमें कॉटन मिक्स होगा उसमें सब्लिमेशन अच्छा आएगा ही नहीं। कॉटन जहां भी मिक्स होगा, चाहे 20% चाहे 50% या 10%, जहां पर कॉटन मिक्स होगा वहां सब्लिमेशन की क्वालिटी डल हो जाने वाली है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि सब्लिमेशन कॉटन पर कैसे आप कर सकते हैं, तो लास्ट में मैं आपको ये भी समझा देता हूं। जैसा कि हम कई वीडियोस में बताते हैं कि हमारे पास एक सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल आता है साथियों, इस तरीके से ये रोल में आता है, तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल की मदद से। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए अभी मैंने इस तरीके से काट दी, आपको ऐसे बिल्कुल कट नहीं करनी है क्योंकि आपको रोल में मिलेगी ये, ठीक है। हमने इसीलिए कर दी, हमारे पास इतना समय नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू पर कटिंग करें, मगर आपको ये एस टू एस कटिंग करनी है ताकि आप इसमें से वेस्टेज बचा सके, ठीक है। इस तरीके से आपने कटिंग किया, पेपर साइड ऊपर, सब्लिमेशन शीट नीचे, और इसको वही टाइम टेम्परेचर पर 60 सेकंड्स के लिए आपको हीट करना है, ठीक है। अब बात होती है कि किसी भी डार्क फैब्रिक पर या कॉटन पर सब्लिमेशन तो होता नहीं है,
मगर इसके मदद से आप सब्लिमेशन कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है डार्कशीट पेपर। डार्कशीट पेपर की मदद से आप इसमें सब्लिमेशन कर सकते हैं। अब दोनों में आपको फर्क भी समझा देता हूं कि सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल की लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि उस पर सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन आपका 100% चलेगा ही चलेगा, मगर डार्कशीट एक्चुअली डार्कशीट नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट होता है। नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर की इंक कई बार मतलब 1% चांसेस में वॉशेबिलिटी नहीं झेल पाती है। कई प्रिंटर्स की इंक होती है तो वो 1% चांस होते हैं कि नहीं झेल पाते, उस कंडीशन में वो प्रिंटर सही नहीं होता। बाकी ये भी आपका वर्क है। लाइफ की बात करें सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल की लाइफ ज्यादा होती है अगर कंपेयर करोगे आप डार्कशीट पर। डार्कशीट A4 A3 दोनों साइजेस में आता है और ये भी हमारा दोनों साइजेस में आते हैं। अब ये देखिए आपको समझा देता हूं, ये हमने इस पर सब्लिमेशन किया, ये हमारा इस तरीके से सब्लिमेशन हो चुका है जैसा आपने पॉलिस्टर फैब्रिक पर सब्लिमेशन किया था। इस तरीके से सब्लिमेशन हुआ है, काफी अच्छी लुक आ रही है। अब आपको सिंपल सा प्रोसेस यूज करना होता है साथियों, इसको कटिंग करना होता है। कटिंग करने के लिए सिंपल प्रोसेस, या तो आप सीजर यूज कर सकते हैं या आप ब्लेड यूज कर सकते हैं, ब्लेड और ये स्केल। अगर ब्लेड और स्केल यूज करेंगे तो आई थिंक आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, इससे आप शार्पनेस दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आपको कटिंग करनी है। अभी आपने कटिंग कर ली, अब साथी ये ऐसी लेयर बन गई है कि आप इसको किसी भी फैब्रिक पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपको लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल फैब्रिक या कॉटन या कलर आपको कोई डिसाइड करना पड़ेगा। आप इसको किसी भी कलर किसी भी फैब्रिक पर इजिली लगा सकते हैं। देखिए ये आपका रेडी हो चुका है किसी पर भी पेस्ट होने के लिए। ठीक है, अब आपको जस्ट क्या करना है, कॉटन ब्लैक व्हाइट कुछ भी फैब्रिक ले सकते हैं, उस पर जस्ट आपको ये रखना है इस तरीके से और इसको हीट करना है। मैं आपको समझा देता हूं, कोई भी पेपर रख सकते हैं ताकि ये फोल्ड ना हो और इसको मात्र 10 से 15 सेकंड्स के लिए आपको हीट करना है। ये हमारा, तो आपने देखा साथियों हमने आपको सारी चीजें समझाई। पहली बात, कॉटन पर सब्लिमेशन नहीं होता है, भूल जाइए अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉटन पर सब्लिमेशन नहीं होता है। पॉलिस्टर कॉटन पर सब्लिमेशन होता है, भूल जाइए इस पर भी सब्लिमेशन नहीं होता है, होता है सिर्फ आपका पॉलिस्टर फैब्रिक पर। इसमें आप कोई भी कलर पे कर सकते हैं, कॉटन पर करना है सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है डीटीएफ हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, वो भी मैं आपको समझा रहा। जैसा कि साथियों हमारे कई कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहते हैं कि हम लोग डीटीएफ भी कर सकते हैं, तो डीटीएफ के लिए भी उनके पास अच्छा ऑप्शन है, मगर बेनिफिट आप कैसे नहीं ले सकते डीटीएफ का। पहली बात तो डीटीएफ की अगर आप सेटअप लगाते हैं तो काफी कॉस्टली सेटअप होता है। अगर आप जॉब वर्क कराते हैं और आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है, 50, 60, 10, मतलब अगर कम क्वांटिटी 10-20 से ज्यादा क्वांटिटी है तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं जॉब वर्क में। अगर आपके पास कम क्वांटिटी है लाइक 2 आ गई, 5 आ गई, 10 आ गई, जैसे हम किसी को टी शर्ट चाहिए दिए वाली, अब इसके लिए आप डीटीएफ हमसे दोनों मंगाएंगे, तो 2, 4, 10, 20 के लिए अगर आप सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल या फिर डार्कशीट पेपर यूज कर सकते हैं तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप अपने पास सेम डे में कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। और अगर आपके पास सेटअप नहीं है, जॉब वर्क दूर है और अगर आप 2-4 प्रिंट आए तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, मगर अगर आपके पास नहीं है तो आप सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल यूज कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब डीटीएफ और सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल में भी आपको कुछ फर्क दिखा देता हूं साथियों। ये देखिए ये हमारा डीटीएफ प्रिंट है, ये हमारा सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल है जिसको मैंने मैन्युअली कटिंग किया। देखिए
क्वालिटी में 19-20 1-2% फर्क आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि DTF एक डिजिटल प्रिंटिंग होती है और सब्लिमेशन जब हम लोग करते हैं सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल पे, तो ये आपका अप्रोक्स 80% तक सब्लिमेट होता है, तो 100% कलर नहीं आते, मगर ये DTF डिजिटल होता है इसलिए 100% कलर आते हैं। अब दोनों में फर्क आपको दिखा देता हूं कि दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। DTF को जो प्रिंट करना होता है वही 10 सेकेंड्स के लिए और कोल्ड पील करके हम लोग वर्क करते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा DTF। अब जब हमारे पास DTF नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से प्रिंट निकाल के सब्लिमेशन करके इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। अब आपको जस्ट क्या करना है, पील ऑफ करना है, टी शर्ट पे पेस्ट करना है। ये कब होता है साथियों, जब आपके पास नहीं है कटिंग प्लॉटर या फिर आपके पास DTF का सेटअप नहीं है। ये मैंने मैनुअल कटिंग किया है सीजर से, काफी इजी होता है, बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इस तरीके से आपको जस्ट निकालना है, टी शर्ट पे रखना है और पेस्ट करना है, सिंपल प्रोसेस होता है। ये देखिए ये निकाला आपने, टी शर्ट पे रखा, पेस्ट कर दिया, वो भी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना है। हमने किया है DTF, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी आती है A1, नो डाउट, बहुत अच्छा प्रिंट है, बहुत खूबसूरत टी शर्ट आपकी बन गई है। मगर जब आपके पास नहीं है सब्लिमेशन ये DTF, तब आप यूज कर सकते हैं सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल। अब कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों का फर्क भी आपको समझा देता हूँ। टेन सेकेंड्स के लिए इसको हम लोग, अब देखिए साथियों मैं आपको दिखा देता हूं कुछ। अब देखिए ये हमने, देखिए ये हमने किया है सब्लिमेशन फैब्रिक विनाइल से, ये हमने किया है DTF से। DTF बेटर है DTF। फील की बात करेंगे सॉफ्ट फील है, फील की बात करेंगे सॉफ्ट फील है, कंपैरिजन दोनों का सेम है। अभी एक चीज दिखा देता हूं आपको, ये देखिए एज इट इज है, रिंकल नहीं आए, इसमें मैंने किया तो देखो हल्के से रिंकल आ गए, तो ये भी फर्क होता है क्योंकि एक तरह की लेयर बन जाती है, मगर ये फैब्रिक है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो ये भी सही है, कंपेयर करेंगे तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। तो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है, टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए आप कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी टी शर्ट्स के ऊपर। तो ये था इस वीडियो में, आई होप आप समझ पाएंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कॉटन पर सब्लिमेशन नहीं होता है। अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ये हो गया मल्टी कलर, सिंगल कलर के लिए आप यूज कर सकते हैं सभी विनाइल है। विनाइलों का कलर्स मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, कौन कौन से कलर्स किस किन टी शर्ट्स के कलर पर अच्छे लगते हैं। तो ये था साथियों आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो मिलता है आपको दूसरी वीडियो में, जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।